और सीधे चलेंगे राजधानी लखनऊ, जहां पर बीजेपी कार्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए प्रत्याशियों की इस ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में आज जब हमारे नवनिर्वाचित विधायकगण शपथ ग्रहण किए हैं, उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने उनके सम्मान के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है। इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री गृह श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री सुरेश खन्ना जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अनिल कुमार जी, और आज जिनके अभिनंदन के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, नौ निर्वाचित हमारे विधायकगण श्रीमती मिथिलेश पाल जी, श्री रामवीर सिंह जी, श्री संजीव शर्मा जी, श्री सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री धर्मराज निषाद जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, और प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण, मान्य विधायकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब अपने नवनिर्वाचित इन साथियों का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। बहनों और भाइयों, जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सब के सामने साबित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, अब महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए और लोग अपनी अपनी बातें वहां पर कहते थे। संगठन के साथ और मंत्रिमंडल के साथ जब हम लोगों की पहली बैठक हुई थी तब तक प्रत्याशी नहीं तय हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मानकर के तय किया था कि हम लोग हर हाल में 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक सीट पर वह संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं, जिन मंत्रियों को और जिन पदाधिकारियों को जिन सीट पर जिम्मेदारी दी गई थी
ऐसे लगता था जैसे उनका स्वयं का अपने घर का कार्य हो, और वे वहां जम करके उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उन प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, और परिणाम जब एक साथ मिलकर के जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदर की और कटेहरी भी चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझुआ हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे उनके प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे साथ नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल बना करके जब वह चलेंगे तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को जिन्हें पार्टी ने एनडीए ने